हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो अभी दिवाली आ रही है, उसकी शॉपिंग करनी है और साथ ही साथ मुझे या कुछ भी मुझे ड्रेस देखनी है। तो हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल स्ट्रीट। मैं यहाँ पे बस चेकआउट करने जा रही हूँ, मतलब मैं अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। तो अभी हम लोग निकले हैं। पीछे थोड़ा जो सोफे का बचा हुआ सामान था वो रखा है, भैया को ड्रॉप करना है। तो अभी हम लोग निकल पड़े। और कल धनतेरस है तो एक्चुअली कल भी जा सकते थे, पर धनतेरस की वजह से भीड़ ज़्यादा होगी तो आज हम लोग निकले जल्दी जल्दी में। हालांकि काम भी थे बहुत सारे, बट स्टिल क्योंकि कल ज़्यादा भीड़ होगी मार्केट में तो सोचा कि आज ही निकल जाते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। चलिए आप लोग भी देखिए कमर्शियल स्ट्रीट में इस टाइप की चीज़ें। अगर मुझे कुछ अंदर देखने दिया तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैंने कुछ खरीद लिया तब तो मैं आपको दिखाई दूंगी। और काफ़ी टाइम शूट नहीं करने देते तो शूट नहीं करने दिया तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट वैसे मैं शॉप्स वगैरह तो आपको दिखाई दूंगी जहाँ से आप लोग लहंगा बाय कर सकते हैं इन कमर्शियल स्ट्रीट। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मेरी शादी का लहंगा वहाँ से लिए और भी मैंने वहाँ पे लहंगे वगैरह ले रखे हैं कमर्शियल स्ट्रीट से। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको पर्टिकुलरली दो तीन शॉप्स दिखाऊंगी जहाँ पे मैं जाती हूँ लहंगे की शॉपिंग के लिए। चलिए, मैंने जा रहे ये जो गद्दे हैं ये एक्चुअली एक्स्ट्रा बच गया था तो ये अभी सारा वापस देना, तो ये देने जा रहे हैं। वो है वो शॉप जहाँ से हम लोगों ने सारा फॉर्म वगैरह लिया था अपने सोफे के लिए। मैंने गए हैं गद्दा वापस करने के लिए, फॉर्म वापस करने के लिए, और मैं बैठी हूँ कार में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इस टाइप की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मतलब कपड़े की ऐसे लहंगा वहंगा टाइप की शॉपिंग के लिए काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ। पहली बार मैं ऐसे कोई इस टाइप की शॉपिंग के लिए कमर्शियल स्ट्रीट जा रही हूँ, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड नर्वस के यू नो अगर ट्राई वगैरह करना हो तो पता नहीं किसी ने ट्राई कर रखा है ये वो। पूछूंगी सैनिटाइज कर रखा है कि नहीं ड्रेसेस को, पता नहीं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ विनय के आने का। और वो जिन्होंने हमारा सोफा बनाया था वो भी हमारे साथ पीछे अभी बैठे, उनको हमें कहीं ड्रॉप करना है उनके घर पे, सो उनको हम लोग लेके गए क्योंकि आज हमारा सोफा कम्प्लीट हो चुका है। गूगल मैप? हाँ गूगल मैप। हाँ खुला। हम लोग पहुँच गए कमर्शियल स्ट्रीट। फिलहाल कमर्शियल स्ट्रीट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, पूरी रोड टूटी हुई है। और यहाँ पे पहुँचने में एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी कि बाद में कैसे कैसे पहुँचे हम लोग। तो यहाँ पे मेनली आप लोग देख सकते हैं कि इसी टाइप की शॉप्स हैं जो शादी रिलेटेड या यू नो दिवाली रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। मम्मी ने यही बोला लिबर्टी सिल्क। हाँ ये वेबसाइट। हाँ तो हमारा पहला स्टॉप है कॉस्की कमर्शियल स्ट्रीट का। चलिए देखते हैं मिलता है मेरे हिसाब की चीज। समझ में आ रहा है कुछ? ये कलर भी मेरे ऊपर, आई एम गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड। दैट इज अ रानी पिंक। ये कलर भी मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना। सर पिक्सी। इंतज़ार चल रहा है, बहुत भूख लग रही है। हालांकि मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं किया है, कमर्शियल स्ट्रीट आके टिल अभी काफ़ी देर हो गई मतलब, पर अभी तक मैंने कुछ भी खरीदा नहीं, बट थकान हो गई क्योंकि हम लोग देखे जा रहे हैं ना चीज़ें और शॉप टू शॉप जा रहे हैं दुबई लहंगा, तो थकावट तो हो गई है। सोच रही हूँ ट्रे पे ट्रे आ रही है, कौन सी हमारी ट्रे। थैंक यू। तो हमारे बर्गर्स आ चुके हैं, पनीर मैक्स स्पाइसी पनीर आ चुके हैं और हम लोगों ने
कॉफी ऑर्डर की है क्योंकि थोड़ा ऐसा माहौल चल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक का तो टाइम नहीं है। बहुत ज्यादा शोर है, पता नहीं कितनी आवाज सुनाई दे रही होगी। और फ्राइज की है, बहुत ज्यादा भूख लगी, जल्दी से खा लेते हैं, चलो की हालत खराब हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को। तो आज तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोस्टली मोस्ट ऑफ द शॉप्स में जहाँ हम लोग लहंगा देख रहे थे वहाँ पे मना कर दिया कि कैमरा मतलब फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, तो वीडियो तो खैर दूर की बात है। और उसके बाद हम लोग एक्चुअली वहाँ पे पहुँचने में इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, मतलब मैं आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली गूगल मैप्स के थ्रू हम लोग गए थे, हमें उन अंकल को छोड़ना था, तो उसके बाद जिन्होंने हमारा सोफ़ा बना उनको छोड़ा, तो हम लोगों ने एक अलग रूट लिया जिससे हम नॉर्मली कमर्शियल जाते हैं वो रूट नहीं लिया क्योंकि वो अलग जगह से हम लोग जा रहे थे। तो गूगल मैप्स ने एकदम ही हमें मतलब ऐसा रास्ता दिखाया कि गूगल मैप्स बहुत बार कर चुका है मेरे साथ के जो एकदम छोटी छोटी रोड्स होती है ना वो दिखाता है जिसमें गाड़ी घुस भी नहीं सकती। तो इतनी मुश्किल से मतलब हम लोग विनय वॉज वेरी टायर्ड हम लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी वहाँ पे पहुँचने में। 1.5-2 घंटा लग गया था रास्ते में, हालांकि वैसे अगर जाएँ तो हमारे घर से 1 घंटा लगता है कमर्शियल पहुँचने में बट ट्रैफिक के साथ, बट कल तो 2 घंटे लग गए। सो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे पहुँचने में। और उसके बाद कमर्शियल की पार्किंग, हाँ तो पार्किंग तो हमें वेस्ट साइड में मिल गई थी, हालांकि वेस्ट साइड से हमें कुछ लेना नहीं थी, पर पार्किंग के लिए वेस्ट साइड अगर आप लोग कमर्शियल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कार वहाँ पर पार्क किया और उसके बाद हम लोग लहंगा देखने गए। लहंगे में फिर बहुत सारा देख रहे थे तो हम लोग, मुझे टाइम नहीं, एक तो उन लोगों ने मना कर दिया था, फिर और भी थोड़े बहुत शॉप्स हम लोग गए थे दिवाली की शॉपिंग के लिए, पर क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज है छोटी दिवाली और हमारे घर में छोटी दिवाली में पितरों की पूजा करते हैं, पितरों मतलब एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। सुबह मम्मी ने थोड़ी बहुत पूजा की और अभी मैं पूजा करूँगी। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रहा है, जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो सब चल रहा है, और जैसे कि ये सब हमारे घर में टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं और सोफ़ा बना है, तो उसकी वजह से काम थोड़ा और भी बढ़ गया। तैयारियाँ चल रही हैं दिवाली पे, वैसे भी जैसे त्यौहार आते हैं ना इंडिया में तो ये सब चीज़ें होती हैं, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग छोटी दिवाली में क्या करते हैं। तो छोटी दिवाली में जैसे मैंने बोला कि पितरों की पूजा करते हैं, तो गांव में तो ऐसा होता है कि मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि खेतों में जाते थे और वहाँ पे ऐसे हर पितरों का वो बना रहता है और एंसेस्टर्स का, तो उन वहाँ पे जाते थे और उनकी पूजा करते थे और खिचड़ी खाते थे। तो अभी मम्मी डैडी ने जोत तो लगा दी, मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। ये हैं दादा दादी जी और ये हैं नाना नानी जी। पूजा हो गई छोटी दिवाली की, सारे एंसेस्टर्स हमें ऐसे ही आशीर्वाद अपना बना के रखे हमारे ऊपर, और कल करेंगे फिर पूजा। तो अभी देखते हैं कि घर में बहुत सारी हलचल चल रही है हमारे घर में छोटी दिवाली की, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मम्मी शायद गुलाब जामुन भी बनाएंगे जो उनकी स्पेशलिटी है, विद्या दी को बहुत पसंद है, और ज़्यादा तो नहीं मिठाई क्योंकि हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं इस टाइप की मिठाई वगैरह, हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि इस बार कोविड है तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं, नहीं तो उनके लिए मिठाई बनाई जाती है। लॉड लग रही है, क्या हुआ, पर्दा धुली धुली पड़ी है, धुल ले। हाँ? पड़ी नहीं है, डाल दीजिए, मुझे लगा मिठाई की दुकान की भीड़ देख लो आप लोग, हालत खराब हुई है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब भूल गए। ये सुंदर सुंदर दिए बिक रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे दिए हैं, हम लोग ले जा चुके हैं तो इसलिए मैं नहीं लूँगा, मैं कुछ और लेने आया था। आरू को चक्कर लगवाने के लिए बाहर आए हैं, पीछे पड़ गया था एकदम गाड़ी गाड़ी गाड़ी, तो अभी हम लोग काफ़ी लंबा चक्कर हो गया आरू के हिसाब से तो। आरू हाँ, घूमी घूमी कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको, खुश हैप्पी हैप्पी
बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, आज बारिश हो रही है। एक्चुअली ऐसा होता है दिवाली के वक्त हमेशा बारिश होती है। मम्मी डैडी आ गए हैं शॉपिंग करके और ये थोड़ी डेकोरेशन की, दिवाली डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आए हैं। अभी इसको लगाएंगे, अरे लगाएं इसको गेट पे। हाँ लगा, गेट पे लगा दे। बुया बुया लगाएगी। हाँ बुया लगाएगी। वो पहले वाले अभी उतारे जा रहे ऐसे लटकेगा कि ये ऊपर करना पड़ेगा, नीचे रहेगा ना यहाँ पे ऐसे करके। ऐसे देखो आगे और इसका यहाँ तक लेंथ आ रहा है। आज यूजू देखो इसके लिए छोटे से फेस्टिव मूड तो आ रहा है एकदम। ठीक है देख लो इसमें, इसको भी आना था। अरे आपको भी देखनी दिवाली शॉपिंग, मजा आ गया। ये रही हमारी दिवाली शॉपिंग जो मैंने बिल्कुल नहीं करी है। मम्मी डैडी और विनय करके आए, मैं घर में आरू के साथ थी। ये है गेंदे के फूल, ये अभी मतलब फ्रेश लेकर आए, रियल वाले। ये अभी फ्रिज में रख दिए जाएंगे और कल सुबह के लिए चाहिए होंगे पूजा के लिए। आगे, आगे, आगे। ये दिया लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दिया। इसमें बहुत सारी पेंटिंग हो रखी है। थैंक यू। बहुत सारी पेंटिंग हो रखी है इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। काफी बड़ा है तो इसमें काफी ज्यादा ऑयल और जोत काफी टाइम तक जलती रहेगी, मतलब घंटों तक। और दिए कुछ पांच का सेट है इसमें, तो डिजाइन इसमें बने हुए हैं। कढ़ाई पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, वो है। और नीचे भी और थोड़े ऐसे सुंदर सुंदर दिए रखे हैं। ये हैं थोड़े जो नॉर्मल दिए होते हैं, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो ये अभी मैं जलाने भी वाली हूँ। इनमें से दो दिए एटलीस्ट जलाने होते हैं छोटी दिवाली पे। और ये है जोत, ये है सारे पटाखे। आप एक बार ही देख लीजिए, ये सारे मिनी की डिमांड पे आए हैं। मिनी पप्पू मिनी को पटाखे चलाने थे। हमने तो लास्ट ईयर सिर्फ फुलझड़ियाँ और अनारी चलाया था मेलबर्न में, तो मिनी की पॉपुलर डिमांड पे आए सारे। वैसे इसमें पटाखे नहीं है। अच्छा हाँ, एक ही पटाखा है, आवाज वाला एक ही है। आवाज सारे अनार दिख रहे हैं, ये फुलझड़ियां, इतनी सारी फुलझड़ियां। मैंने तो पूरा गिफ्ट पैक की बात करी थी। गिफ्ट डैडी ने सही 500 का सेट एकदम से फटफट चलता रहे। डैडी लास्ट टाइम मेरे लिए सही ले रहे अकेली ने। चलो अभी दिया जला लेते हैं, थोड़ी शाम की पूजा कर लेते हैं। ये देखो ये 5000 का पैक है मेरा, ये लास्ट ईयर का। ये सुंदर सुंदर दिए मिले लास्ट ईयर के, हमारे गणेश जी बने हुए हैं। हाँ बेटे, और ये दिल शेप का। ओ भगवान जी, इसमें ज्यादा एक्चुअली खर्च नहीं होता, लेकिन हमने बाद में भी एक साथ डैडी ने इसमें देख लो, एक खतरनाक ऊन बम टाइप, ये छोटे छोटे भी बचे हैं। ओह माय गॉड, दीज मिर्ची बम्स, अब पता नहीं चल रहा है। ये भी है, चलते हैं। अच्छा तो फिर एक ही दिया जलाना तो ये है पोस्ट दिवाली। ये वाला फ्लैश वाले कौन से हैं? अच्छा ये मिर्ची थिंग एक तो है ना पटाखे। तुमने क्या किया यहाँ पे आ रहे हो, क्या कर रहे हो ये सब? पूरे फूल फैला रहे। हाँ हाँ ये देखो वो यार कमा लो, क्या उसने छीन लिया तुमसे? क्योंकि मैं वो सीढ़ी है यार पागल। सीढ़ी रियलिटी आ रही है, जंग कर देता है बंदा। दोनों छोटे छोटे। ओह माय गॉड, दिस लेदर बॉल उससे वो खोल रहे ड्रॉअर। कुछ भी निकाल के फेंकेगा मुझे बंदा, दिस बंदा परवर यू नो। बाय बाय। ओ भाई इसको पकड़ के रखना, आई एम गोइंग नाउ। हमने छोटी दिए के, छोटी दिवाली के दिए लगा रहे हैं।
तो ये दो दिए लगा दिए।